फोटोशॉप में हम कलर करेक्शन करना देख रहे हैं, और कलर करेक्शन के दो तीन तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं वो है फिल्टर और कैमरा रॉ फिल्टर। कैमरा रॉ फिल्टर में फ़ायदा ये होता है कि ये जो है वो एक ही इंटरफेस में बहुत सारे ऑप्शन एक साथ दिए हुए होते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एक ही लेयर पर अप्लाई होगा, मल्टीपल लेयर्स पे आपको हर लेयर पे अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी लेयर पे एक साथ कंबाइन करके अप्लाई नहीं कर सकते। कि अगर आपके पास जो है वो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी इमेज है जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स पे काम हुआ हुआ है, तो वो आप एक एक करके ही अप्लाई कर पाएंगे, एक साथ सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। बहरहाल हमने ये किया कि कैमरा और फिल्टर जो है वो ओपन किया फिल्टर में जाके, देन इसके बाद बीच में आपका प्रीव्यू आ रहा है और राइट साइड पे जो है वो ऐसे कुछ पैनल्स आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इन सबको कोलैप्स कर दूं तो आप देखें टैब्स बने हुए हैं, बेसिक टैब, कर्व्स टैब, इस तरह मुख्तलिफ टैब्स दिए हुए हैं, अलग अलग सेटिंग्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ बेसिक सेटिंग्स में आते हैं, और बेसिक सेटिंग में देखें कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कलर का टेम्परेचर है, यानी कि कलर की टोन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर येलोइश टोन आ रही है और मैं इसको टेम्परेचर को इसको नेगेटिव ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, या जो है वो ये येलो की तरफ इसकी टोन आ जाएगी। तो अगर आप खुद से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे वाइट बैलेंस जो दिया हुआ होता है, वाइट बैलेंस ये होता है कि वाइट कौन सी टोन में आ रहा है, तो कस्टम पे यहाँ पे क्लिक करके या तो आप इसको ऑटो कर दें, ऑटोमेटिकली इसको ठीक करने की कोशिश करेगा, या फिर जो है वो एज शॉट जैसे तस्वीर खींची हुई वैसे ही छोड़ दें, या फिर हम खुद से इसको कस्टम चेंज कर लें। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लू टोन में रखूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे बारिश या सॉरी स्नोफॉल होने वाली है, तो कुछ इस तरह की लुक आ रहा है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आप देखें तो इसके जैसे ही मैं रखता हूँ तो साथ में कुछ इसके ऑप्शंस भी आ जाते हैं, कुछ वीडियो भी आ जाती है, तो ये बता देती है कि ये क्या क्या काम कर रही है, इन केस कि अगर आपको रिमाइंड याद ना रहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। बहरहाल एक्सपोजर ओवरऑल क्या कर रही है कि ब्राइटनेस सीन में लेके आ रही है, जिसकी मुझे ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन वैसे अगर मैं इसको पॉजिटिव ले जाऊँ तो सीन ब्राइट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा, ओवरऑल कंट्रास्ट भी कुछ इसी तरह करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ जंप लगा के नीचे जो है वो कुछ ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके क्लियरिटी दी हुई है, टेक्सचर दिया हुआ है, डीहेज दिया हुआ है। इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर मैं इसमें क्लियरिटी जो है वो इनक्रीज़ करूँ तो ओवरऑल सीन जो है ना वो शार्प हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्लियरिटी बढ़ा रहा हूँ तो आप देखें जो पहले जो थोड़ा सा ब्लरनेस थी वो ख़त्म हो गई, ठीक। और अगर मैं इसकी क्लियरिटी कम कर दूं तो ये और फॉग टाइप का हो गया, जैसे स्मोक टाइप का, फॉग टाइप का हो गया, ब्लरनेस आ गई इसमें। डीहेज करेंगे तो यहाँ पे जो थोड़ी धुंध आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं पॉजिटिव ले जाता हूँ तो क्या होगा कि ये ख़त्म हो जाएगी धुंध, और अगर नेगेटिव ले जाऊँगा तो ये धुंध मज़ीद आ जाएगी, ठीक है। तो कहीं ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो वो आ जाएगा। टेक्सचर में क्या होता है, छोटी डिटेल्स जो होती हैं, जैसे रोड का टेक्सचर दिया हुआ है, छोटे छोटे डॉट्स आए हुए हैं, या इसका टेक्सचर इम्प्रूव कर, लेकिन तीनों ये एक ही काम कर रहे हैं कि तीन में क्लियरिटी शार्पनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी क्लियरिटी इंक्रीज़ करता हूँ और थोड़ा इसको डीहेज करता हूँ ताकि वो जो फॉग है वो ख़त्म हो जाए। अब मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि सीन थोड़ा कंट्रास्ट दिख रहा है, लेकिन ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसमें मुझे ग्रीन कलर अगर ऐड करना है तो इसके नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वाइब्रेंस और सैचुरेशन के। इससे क्या होता है कि वाइब्रेंस बढ़ाने से सीन में जो कलर नेचुरल कलर होते हैं वो इन्हेंस हो जाएंगे। मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं इवन फुल भी कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे नेचुरल तरीके से ग्रीन कलर है वो आ गया। सैचुरेशन भी कुछ इस तरह काम करेगी, कलर को जो है वो इन्हेंस कर देगी। तो जितना आपको कलर में टोन ऐड करनी है सैचुरेशन वो ऐड कर ली। अब मैं फिर भी देख रहा हूँ कि सीन में थोड़े थोड़े एरिया डार्क है। इस डार्कनेस को ठीक करने के लिए हमारे पास जो हमने यहाँ पे ऊपर छोड़े थे हाईलाइट और वाइट ऑलमोस्ट एक ही काम करेंगे कि वाइट एरिया पे अफेक्ट करेंगे, शेडोज और ब्लैक दोनों डार्क एरिया पे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे करना ये है कि डार्क एरिया को इम्प्रूव करना है, तो मैं शेडोज और ब्लैक में चेंजेस कर रहा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा इसको जो है ना राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो डार्क एरिया जो है ना वो इम्प्रूव होने शुरू हो गए। इसी तरह ब्लैक भी जो इम्प्रूव कर रहा हूँ तो जो डार्कनेस थी सीन के अंदर वो ख़त्म हो गई और एक जैसी टोन आ रही है इसके अंदर। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वाला एरिया थोड़ा डार्क लग रहा है तो मैं शायद इसकी जो है ना डीहेज या क्लैरिटी को मॉडिफाई करूँ तो ये थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर हम थोड़ा कंट्रास्ट भी इसमें ऐड कर लेते हैं सीन में, जिसकी वजह से कलर और थोड़े से नेचुरल से हो जाएंगे।
तो अगर मैं इसका बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो ये नीचे छोटी सी एक बटन होती है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको बिफोर एंड आफ्टर दिख जाएगा कि ये इमेज ओरिजिनल में ऐसी थी और इसको हमने अपडेट कर लिया तो ये इमेज ये ऐसी आ गई। ये सारा कुछ अभी हमने किया है, ये कहाँ पे था, ये जो है वो आपके बेसिक वाले टैब में था। लेकिन अगर मैं और कुछ टैब्स में दिखाऊँ, अच्छा एक तस्वीर में सारे टैब ज़रूरी नहीं कि अप्लाई हों, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कहाँ पे कलर मिक्सर में आ जाता हूँ, तो कलर मिक्सर में मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल हैं वो तीन ऑप्शन हैं, ह्यू, सेचुरेशन और लुमिनेंस। सबसे पहले हम ह्यू देखते हैं। ह्यू में हमारे पास कुछ कलर दिए हुए हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। तो अगर मैं इसमें ग्रीन पे आ जाऊँ, क्योंकि इसमें सीन में ग्रीन नज़र आ रहा है, तो अगर मैं ग्रीन में चेंजेस करूँगा तो क्या होगा कि ग्रीन का टोन चेंज हो जाएगी, कलर की टोन चेंज हो जाएगी। ह्यू का मतलब होता है कलर, तो ग्रीन वाले में और यहाँ पे मैं दूसरे इसके थोड़ा सा अकॉर्डिंगली चेंज करूँ तो इसके ग्रीन की टोन देखें डिफरेंस आ रही है। देखिए अभी ग्रीन में थोड़ा येलो ब्लूइश टोन आ गई, या ग्रीन में जो है वो थोड़ा येलोइश टोन आ गई, ग्रीन की कलर चेंज हो रही। इस तरह यहाँ एक्वा कलर है, एक्वा कलर जो है ब्लू कलर होता है थोड़ा, इसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसकी ब्लू कलर की टोन में थोड़ा डिफरेंस आ गया, ग्रीन कलर की टोन में देखें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह जो है ना यहाँ पे एक्वा कलर में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। इसी तरह मैं इसमें जो आपका येलो कलर था उसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अब ग्रीन की टोन ठीक लग रही है। इसी तरह मैं सेचुरेशन में आ जाऊँ, तो सेचुरेशन में अगर ग्रीन की टोन में ख़त्म कर दूँ तो ग्रीन कलर जो है ना वो टोटली यहाँ से सीन में ख़त्म हो जाएगा, यानी ग्रीन कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, बाकी कलर अपनी जगह पे हैं, ग्रीन कलर ख़त्म हो गया। या ग्रीन कलर को अगर मैं नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा देता हूँ तो ग्रीन कलर मज़ीद और इन्हेंस हो जाएगा। तो इस वाले से मैंने क्या फ़र्क किया कि यहाँ पे देखें ग्रीन कलर की टोन जो है वो मज़ीद मैंने इससे इन्हेंस कर लिए, एक टोन में आ गया है। पहले जो है वो ग्रीन अलग अलग टोन में आ रहा था, अभी जो है वो ग्रीन एक ही टोन में आ गया। और इसमें तकरीबन यही चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे इसमें अफेक्ट्स में आ जाऊँ और एक विनियट अफेक्ट अप्लाई कर लूँ, तो विनियट अफेक्ट में ये होगा कि इसके कॉर्नर जो होते हैं वो थोड़े डार्क हो जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं या डार्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोकस जो है वो सिर्फ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने इसमें कहाँ कहाँ पे अफेक्ट्स पे विनियट अप्लाई किया ताकि कोने थोड़े डार्क हो जाएँ, बेसिक्स में कलर इन्हेंस किए हैं, और कलर मिक्सर में जाके कलर की टोन इसकी एडजस्ट किया। इसमें अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो अगर इसमें जो नोट करें कि यहाँ पे कुछ ग्रेन्स आ रहे हैं, ग्रेन्स मतलब कुछ डॉट्स आ रहे हैं, वो कहाँ पे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो ऑप्टिक्स या इसमें डिटेल जो है ना सेक्शन ऑन करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है नॉइज़ रिडक्शन का। नॉइज़ क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं कलर के, ये जो है नॉइज़ होती है। अब नॉइज़ दो तरह की होती है, एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर। यहाँ पे कलर नॉइज़ भी है और डॉटेड वाली भी है। मैं इसको ये थोड़ा ऑब्ज़र्व करना मुश्किल है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ एरिया में, इस एरिया को अगर आप नोट करें और यहाँ पे मैं इसके जो है वो नॉइज़ को रिड्यूस करता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, तो आप देखें स्मूथनेस आ गई। इसी तरह कलर नॉइज़ को भी बहुत एक्सट्रीम करता हूँ तो यहाँ पर जो कलर थे वो एक जैसे हो गए, बहुत माइनर फ़र्क है। अगर आप नोट करें कि यहाँ पे देखिए मैं कलर को ऑफ कर रहा हूँ, कलर नॉइज़ को, तो डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे आपके, और कलर नॉइज़ ख़त्म कर दें तो ये देखें वो दोबारा से छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो आप इसको इतना एक्सट्रीम नहीं करेंगे, इसको कुछ हद तक जो है वो इसके डॉट इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस एरिया में नहीं, ये बाकी के एरिया से भी रिमूव कर देगा और कलर नॉइज़ भी जो है रिमूव कर देंगे। तो अब ये इस वाले इमेज में ये बिल्कुल फाइनलाइज हो गया, और मैं इसको जो है ना आपको नॉर्मल लेवल पे दिखा दूँ, इस तरह आ रहा है। शायद मैं इसमें सेचुरेशन थोड़ी सी और कम कर लें, तो ये इसका बिफोर एंड आफ्टर आ गया। मैं इसको ओके कर देता हूँ तो मेरे पास जो है ना कलर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एक और इमेज पे अप्लाई करते हैं, इसमें जैसे ये वाला इमेज है, इस पर हम फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद कैमरा रॉ फिल्टर में आएंगे,
ठीक है, मैं इसमें इस वाले इमेज में देखता हूँ, तो वही उसी तरह हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में जो है वो हम इसको डीहेज करते हैं, डीहेज करने से जो इसमें फॉग टाइप की है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक, थोड़ी सीन में शार्पनेस आ जाएगी। टेक्सचर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, टम्परेचर अगर चेंज करना है तो थोड़ा सा ब्लू की तरफ कर लें, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि इसको ब्लू करने की कोई ज़रूरत है, तो टेम्परेचर छोड़ देंगे। यहाँ शेडो वाला एरिया जो है इसको इम्प्रूव करते हैं, तो डार्क एरिया में थोड़ी ब्राइटनेस आ जाएगी। ब्लैक वाला एरिया इम्प्रूव कर लेते हैं, इसके बाद जो है वो वाइब्रेंस इसकी इंक्रीज़ करते हैं, तो ओवरऑल सीन जो है ना थोड़ा बेहतर हो जाएगा, कलर इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके बाद कलर मिक्सर में दोबारा जाते हैं, कलर मिक्सर में हमारे पास यहाँ पे सैचुरेशन दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर जो आ रहा है एक्वा या ब्लू कलर जो है इसकी थोड़ी सैचुरेशन बढ़ा लूँ, तो ये वाला ब्लू कलर भी इम्प्रूव हो जाएगा, ब्लू कलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये लूमिनस होती है इसकी लाइटनेस या डार्कनेस, तो यही यहाँ पे भी करते हैं कि ब्लू कलर की लाइटनेस या डार्कनेस थोड़ी सी इम्प्रूव करें, तो बहुत हल्का अफेक्ट आ रहा है लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे वो आ रहा है। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं अफेक्ट्स में, विनियट अप्लाई करते हैं कोने ताकि थोड़े से डार्क हो जाए, फोकस सेंटर में आ जाए, और डिटेल सेक्शन में जाके जो है वो नॉइज़ को थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, जूम करके देख लेंगे अगर नॉइज़ है तो थोड़ी सी नॉइज़ को रिड्यूस कर लेंगे। तो इस तरह हमारी कलर बैलेंस यहाँ पे भी फाइनलाइज हो गई, ये इसका बिफोर एंड आफ्टर है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। इस वाले इमेज में दोबारा से अप्लाई करते हैं फ़िल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर। इस दफ़ा मैं इसमें खाली एक स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करूँगा कि मैं सिर्फ जाता हूँ चैनल में कलर मिक्सर में, और यहाँ पे ह्यू में आके इसका जो ब्लू कलर है वो चेंज कर रहा हूँ, तो देखिएगा रेड कलर और इसके अलावा जितने कलर हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ ब्लू कलर की टोन जो है ना वो फ़र्क आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो इस तरह इसकी एक कलर की टोन चेंज कर सकते हैं। एक और इमेज जो है इस पर थोड़ी वर्किंग करते हैं, तो मैं फ़िल्टर में जाता हूँ, यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करते हैं। इस वाले इमेज में अगर मैं देख रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये थोड़ी मुझे टेढ़ी नज़र आ रही है, ये इमेज जो है ना एंगल पे नज़र आ रही है। इसमें भाई बेसिक में तो कलर वगैरह तो अपने इन्हेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आ जाएंगे ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में ये सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं। जैसे अगर मैं इसको वर्टिकल चेंज कर रहा हूँ तो देखिए ये इमेज ऐसी हो जाएगी, या जो है वो इस इमेज को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ ऐसे करके, और इसके बाद जो है वो अगर रोटेट करना हो, रोटेट की ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें, लेकिन अगर रोटेट करना हो तो हल्का सा रोटेट कर सकते हैं, और इसी तरह इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल करने से क्या होगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब ये साइज़ हम बड़ा क्यों करेंगे, ताकि जो है वो ये नीचे से जो कट आ रहा है इसका वो ख़त्म हो, लेकिन साइज़ तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि एक्स और वाई स्केल ऑफसेट, इससे ये हो रहा है कि जब मैं स्केल कर रहा हूँ तो ये वाला एरिया जब बड़ा होता है तो ये एरिया थोड़ा एक्स्ट्रा आगे चला जाता है। जब ये आगे चला जाएगा तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको वाई में, वाई ऐसे लेंथ में होता है, तो वाई में इसको ऐसे नीचे कर लूँगा। तो अभी भी थोड़ा सा मुझे ये वाला एरिया कम नज़र आ रहा है, मैं इसको स्केल मजीद करता हूँ कि ये जो है ठीक हो जाए। हो सकता है मैं इसको एक्स ऑफसेट में अगर इसको मैं मैनेज कर सकूँ तो कर लूँगा, नहीं तो फिर इसको दोबारा से स्केल कर लूँगा। तो जो मैंने इसमें कलर करेक्शन वगैरह करनी थी वो कर लूँगा मैं, और बाकी जो है वो ज्योमेट्री में आके ये चेंजेस कर लूँगा। तो पहले के मुकाबले में ये तस्वीर जो पहले बिल्कुल आपको टेढ़ी नज़र आ रही थी, अभी तस्वीर सीधी नज़र आ रही है।